इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है ऑफ साइड एल और यहां पे तीन पार्टिकल्स हैं हेडेड टुवर्ड्स ईच अदर, तो ये जा रहा है स्पीड वी से, ये भी स्पीड वी से और ये इसकी तरफ स्पीड वी से, तो बताना इसमें कितने टाइम बाद ये मिल जाएंगे, कन्वर्ज कर जाएंगे, कितने टाइम के बाद ये कन्वर्ज कर जाएंगे और किसकी कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी और डिस्टेंस, तीनों चीज बतानी है। पहला टाइम ऑफ कन्वर्ज, दूसरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच, डिस्प्लेसमेंट व्हेन कन्वर्ज, तीसरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टिल कन्वर्ज, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हो। तो अब ये सेपरेशन एल है, इसमें ये हमेशा ही अब डी टी टाइम में ये यहां आ जाएगा, इसकी तरफ जा रहा है ना, और ये डी टी टाइम में कहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, इसकी तरफ जा रहा है, तो ऐसा बन जाएगा फिगर। डी टी टाइम बाद कैसा फिगर बनेगा, ये भी इधर आ गया और ये ऐसे आ गया। अब ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्यों, क्योंकि ये ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट टू, ये तीनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है साइड एंगल साइड से। कैसे, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इक्वल टू दिस, ये साइड डीटी वीडीटी हुआ, वीडीटी हुआ ना ये साइड, ये वीडीटी और इसकी भी वीडीटी, अब ये वीडीटी है तो ये भी इक्वल बनी, तो साइड एंगल साइड से ये तीनों कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड इक्वल टू दिस साइड, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल है तो साइड भी तो इक्वल होंगी, इसी तरह से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल तो ये साइड भी इसके इक्वल, तो फिर से ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना। अब फिर वी से जाएंगे और ये फिर वी से गया इसकी तरफ और ये वी से आया तो फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा ऐसे, तो ऐसे ही इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता जाएगा और ये फाइनली सेंटर ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल कन्वर्ज कर जाएंगे, तो ये ऐसे जाएगा और ये भी ऐसे जाएगा और ये भी ऐसे आएगा, तो यहां पर ये कन्वर्ज कर जाएंगे सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल। तो अब वी अप्रोच क्या होगा, वी अप्रोच, ये एल सेपरेशन इज इक्वल टू वी अप्रोच इनटू टी, तो वी अप्रोच कितना है, ये वी है और इस तरफ वी है ये, तो ये 60 डिग्री है, तो वी अप्रोच की डेफिनेशन क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू पार्टिकल्स, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी अप्रोच क्या हो जाएगा, वी और ये वी, वी प्लस वी कॉस 60 दिस इनटू टी, एल का एल हो जाएगी, तो टाइम यहां से कितना आ गया, एल अपॉन वी प्लस कॉस 60 वी बाय टू, तो 3 वी बाय टू, तो ये आ गया 2L बाय 3V, तो टाइम ऑफ कन्वर्ज आ गया। अच्छा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस कैसे हो जाएगा, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है v और टाइम 2L बाय 3V, तो 2L बाय 3 डिस्टेंस ट्रेवल आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये सेंटर पे आएगा ना, सेंट्रोइड पे मिलेंगे ये ए बी सी, ये परपेंडिकुलर भी है, ये ओ मान लो, तो ए ओ इज इक्वल टू बी ओ इक्वल टू सी ओ और यही डिस्प्लेसमेंट है, तो ये ए ओ कितना हो जाएगा, दिस इज 2/3 ऑफ ए एम और ए एम कितना है, ये एल है और ये एल बाय टू है, तो ए एम है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एल बाय टू का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय फोर, तो 3L स्क्वायर बाय फोर, तो रूट 3L आ गए,
रूट थ्री एल बाय टू, तो ये कितना आ गया रूट थ्री एल बाय थ्री, ये डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। अच्छा अब है, अब ये वाले क्वेश्चन जो है अप्रोच वेलोसिटी वाले, ये स्पीड बराबर होनी चाहिए और रेगुलर फिगर होना चाहिए, कोई शेप ज्योमेट्रिकल शेप उसकी रेगुलर होनी चाहिए, इरेगुलर होगी तो फिर ये नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो ट्रायंगल की जगह स्क्वायर भी हो सकता था, स्क्वायर पे चार पार्टिकल्स जाते इसकी तरफ, ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ, तो ये ऐसे स्क्वायर बन जाता, फिक्स स्क्वायर बन जाता, ये ऐसे स्क्वायर बनते जाते, और इसमें क्या हो जाता है ये बी से इसकी तरफ, ये बी से इसकी तरफ, ये बी से इसकी तरफ और ये बी से इसकी तरफ, तो ये क्या हो जाता बी अप्रोच कितना होता। अब इसमें बी अप्रोच बी होता क्योंकि इसका कंपोनेंट है नहीं कुछ, 90 डिग्री पे है, तो बी पी इज एल, ये एल है, तो टाइम कितना आ जाता है एल बाय वी, एल बाय वी, तो टाइम ऑफ कन्वर्ज सेंटर पे ही होते। डिस्प्लेसमेंट कितनी होती हाफ ऑफ डायगोनल एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, तो रूट टू एल आ जाता, रूट टू एल अपॉन टू, क्योंकि हाफ ऑफ डायगोनल होता ना एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट टू एल स्क्वायर, तो रूट टू एल अपॉन टू, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। डिस्टेंस कितना आता, डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम और स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू एल बाय वी, तो एल आ गया डिस्टेंस ट्रेवल बाय इंच इज एल, सेंटर पे मिलते। इसी तरह से रेगुलर पॉलीगन कोई भी ले लो वो भी ऐसे ही हो जाएगा। रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, ये रिजल्ट याद होना चाहिए कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं ये इक्वल होते हैं रेगुलर में, और कितना होता है 2 पाई बाय एन, ये भी 2 पाई बाय एन होता है, एन इज नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, और ये भी है इतना ही होता है। तो अब ये एक दूसरे पे ऐसे जाते मान लो, तो ये वी होता ये भी वी होता, तो और मिलते इसमें कहा सेंटर पे, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता ए ओ, तो टाइम कितना वी अप्रोच क्या होता है इसमें, तो ये एल साइड इज इक्वल टू एल साइड हो जाती वी अप्रोच इनटू टाइम, वी अप्रोच कितना है वी माइनस वी कॉस टू पाई बाय एल, वी अप्रोच इनटू टाइम, तो यहां से टी आ जाएगा। फिर उसके बाद डिस्टेंस कितना आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम, टी जो निकाल लिया वो यहां पुट कर दो। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एओ, अब एओ निकालना है, तो ये कितना हुआ 2 पाई बाय एन पूरा एंगल था, ये कितना हो गया पाई बाय एन, और ये परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉप करेंगे तो ये एल बाय टू हो गया, तो एओ कितना आ गया एल बाय टू कोसिकेंट पाई बाय एन, एल बाय टू कोसिकेंट पाई बाय एन, डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्टेंस आ गया, टाइम भी आ गया। तो कोई भी रेगुलर पॉलीगन में भी हम इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये हेक्सागन होता, हेक्सागन में एन कितना होता है 6, तो यहां 6 करते तो ये 60 डिग्री हो जाता, एन इक्वल टू 6 तो ये 60 डिग्री आता, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता, ये एल बाय टू और ये भी कितना होगा ये निकला था और ये भी निकला था, ये कितना हो जाता 60 और 60 वी बाय टू, तो ये आ जाता वी बाय टू इंटू टी और टी यहां से निकाल ही लिया। तो इस तरह से हम ये वाले क्वेश्चन करते हैं। अब बर्ड्स एक फ्लाई करता है, दो ट्रेन आ गई एक दूसरे पे, तो वो वाले उस वाले उसमें ग्राफ भी बनाएंगे स्पीड टाइम का, एक्सीलेशन टाइम का, पोजीशन टाइम का, और टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बर्ड ने, वो एक नेक्स्ट प्रॉब्लम में करेंगे।